अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बकरी फार्मिंग का एक्सपीरियंस शेयर करने लगे हैं। आप वीडियो को आखिर तक देखें, आखिर में हम इसके जो मालिक हैं, बकरियों के फार्मर हैं, उनकी बातें भी आपको सुनवाएंगे और इसके बारे में कैलकुलेशन भी देंगे कि कितना नफ़ा नुकसान इसमें है। तो आखिर तक देखते रहिए। क्या खा रही हैं जी बकरियां, आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देखें, गोभी, किन्नू के छिलके, केले के छिलके और बाकी सब्जियों के छिलके, प्याज, मुख्तलिफ चीज़ें खाती है ना जी ये। तो माशाल्लाह इनकी सेहत भी अच्छी है, ये देखें, अच्छी सेहत है इनकी। और इनको नमक चटनी की भी कम ज़रूरत होती होगी, हर बात नहीं होती होगी, मुख्तलिफ चीज़ें खाती है ना। कुछ देर पहले इधर ये जड़ी बूटियां खा रही थी, किकर भी खिला रहा था भाई इनको, तो इनका टेस्ट बदलता रहता है ना, मुख्तलिफ चीज़ें खाती हैं। तो ये देखें, शौक़ से खा रही माशाल्लाह, कहीं से प्याज खा लेती होंगी, कहीं से पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, तो अदरक के शायद छिलके भी हों इसमें, लहसुन भी होता होगा कहीं कहीं, तो सब चटनी भी के साथ साथ खाती हैं। और ये इसमें कैल्शियम बहुत होता है किन्नू के छिलके में, और केले के छिलके में तो बहुत ज़्यादा गिजाइत होती है ना जी। बंदा, मैंने एक दफ़ा पढ़ा कि बंदे को पता चल जाए ना कि केले के छिलके में कितनी गिजाइत है, तो वो केले से ज़्यादा छिलके को इस्तेमाल करे किसी भी तरीके से। मैं जा रहा था हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक उन्होंने चैनल, लेकिन उनकी खरीदो फरोख्त की बात शुरू होगी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इनसे बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बेल आइकॉन दबाने के बाद आल कैटेगरी को भी प्रेस करें ताकि हर किस्म के नोटिफिकेशन हुई कोई वीडियो अपलोड हो आपको मिले और हर वक्त आप उसको देख सकें। और जो दोस्त पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया, वो अब वीडियो फोटो बना देख रहे हैं और रैंकिंग में काफ़ी इजाफा हुआ है। और मुझे यूट्यूब की तरफ से कि अब आपकी वीडियोस को व्यूवर्स लंबा देख रहे हैं, तो मैं उन सब दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? नाम क्या है आपका? मोहम्मद रमज़ान साहब। रमज़ान भाई, कितने अरसे से काम कर रहे हैं ये बकरियों? हमारे जामपाड़ी बकरियों में पैदाइशी तौर पे, तो तीसरी हम तीसरी लड़ी में थे। अच्छा, वालदैन भी ये करते थे? जी, दादा भी। कैसा काम है ये? अल्हम्दुलिल्लाह। शहर में रहते हैं ना आप? जी, शहर में। तो ये कितने जानवर हैं आपके पास? ये है सरकार 33 जानवर। नार कितने हैं इनमें? नार इसमें है छोटे बड़े, तीन बड़े, तीन बड़े, छोटे कितने, एक, दो, तीन, छह नार छोटे बड़े। किस नस्ल की हैं ये? दोगलियाँ। मिक्स ब्रीड है जी। कितने बच्चे देती हैं साल में? माशाल्लाह तीन तीन भी देती, दो दो भी देती, दो दो तीन तीन देती हैं। अच्छा, इनको ये चराने के अलावा और क्या देते हैं आप? कुछ भी नहीं चराते हैं, बस इस चराई पे। सेहत इनकी अच्छी है, आप मुतमईन हैं? इंशाल्लाह हाँ। फिट रहती हैं ये? खुदा ना खासा बीमारी भी आती है इसमें। आती है तो क्या करते हैं उसके लिए? इसमें मेरी बकरियां काफी गिर गई बीमारी से। अच्छा, नुकसान होता है? बहुत नुकसान हुआ, तीन साल हो गए। अच्छा, तो आप वो वैक्सीन PPR वगैरह की वैक्सीन या ये मुंह खुर की इस तरह की नहीं करवाते? नहीं, 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 नहीं। कभी नहीं करवाई आप इसकी? इनकी वैक्सीन करवाया करें ना सीजन पे, फिर ये नुकसान नहीं होंगे। हमारे दिल का डॉक्टर ही नहीं मुझे मिलता, हम क्या वैक्सीन कराएं? अब ये मिक्स ब्रीड में क्यों रख रहे हैं? राजनपुरी या रहीमिया खान बीतल क्यों नहीं? स्पेशल बकरी इधर इधर मुंह करके पल नहीं सकती, वो नहीं पल सकती ऐसे? इनमें मुदाफियत ज्यादा है मिक्स में? पलती मुदाफियत इनमें ज्यादा, दो जगह वही खाएगी। अच्छा, वो अच्छा अच्छा खाती है। सही है, सही सही। ये जहाँ भी ऐसे घुमा फिरा, कितनी देर चराते हैं दिन में? इसका कोई टाइम टेबल नहीं, कभी दो घंटे चराई, कभी तीन घंटे दिन में सिर्फ। सिर्फ बाकी क्या करते हैं आप? बाकी आप घर के काम काज। अच्छा, तो आप ही चराते हैं इनको? सुबह शाम चराते हैं? दो टाइम या एक टाइम? दो टाइम चराई करवा लेते हैं। ठीक हो गया जी,
अच्छा ये बताएं कि नर बेचते हैं आप या मादा भी बेचते हैं? नर बेचते हैं। कितने साल में बेच लेते हैं नर? ये अभी तो हमारे काफी जानवर नर गिर गए, मर गए। मर गए। अच्छा अभी बेचे या दो नर वो बेचे, ये तो चीना खड़ा, ये तो ये खड़ा, ये दो बेचे, ये 30,000 के बेचते हैं। 30,000 के। एक साल में कितने जानवर बेच लेते हैं आप नर? एक साल में 15 भी हो जाते हैं या 20 भी हो जाते हैं कुर्बानी पे। तो किस रेंज में बेचते हैं एक जानवर आपका बिक जाता है? 10,000 का बीज जैसा जानवर वैसा रेट। 10 से 20,000 में। अगर 15 भी आप बेचें तो ये एवरेज बना लें 20 की, तो 3,00,000 के जानवर बेचते हैं। अच्छा जानवर ठीक हो गया जी भाई के जानवर। ये क्या रखा हुआ आपने साथ, ये डंडा? अच्छा ये किकर वगैरह इससे? ये देखें दोस्तों एक दफा फिर, माशाल्लाह सेहत अच्छी है इन बकरियों की। सब दोस्त तो इस तरह नहीं करा सकते चराई इनकी, इस तरह रख सकते, लेकिन वंडा कोई भी नहीं देते आप। ये देखें इसी तरह मुख्तलिफ डेयरियों पे ये चराते हैं इनको।